नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी। न्यू लक्ष्य एकेडमी आज लेके आया है जो पूरे साल भर के निचोड़ के बाद जो सूचकांक निकाले जाते हैं, एग्जाम चाहे चपरासी का हो चाहे एग्जाम आईएएस का हो, ये हर भर्ती में देखने को मिलते हैं। तो चलो आइए स्पीड से चलते हैं, न्यू लक्ष्य एकेडमी के द्वारा भारत के प्रमुख सूचकांक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कुछ इनोवेशन करना। ये 2023 से लिखा हुआ है क्योंकि अभी 24 का आया नहीं है। तो ये क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। इसमें भारत की रैंक क्या थी, 40, 40 रही है। आगे है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। भारत की जो रैंकिंग रही है वो 134 रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी दुनिया भर में अपनी जो न्यूज है, खबर है, उसको स्वतंत्र तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रसारित करने में भारत की मीडिया की जो रैंक रही है वो है 161 रही है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की रैंक रही है 126। आइए आगे चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंकिंग रही है वो 127 रही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की जो रैंकिंग रही है वो 7 रही है। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग रही है 111, यानी हंगर के मामले यानी भूख के मामले में भारत में किस लेवल तक बच्चे या प्रत्येक व्यक्ति तक खाना पहुंच पाता है। यानी एक चीज याद रखना बेटा, ये जो रैंकिंग है ये यथार्थ बिल्कुल सत्य नहीं माना जा सकता है। हाँ, कुछ इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी जो इसको प्रसारित करते हैं वो अपनी मेंटल सेट के हिसाब से इसको प्रसारित करते हैं। किसी किसी रैंक में तो पाकिस्तान से भी नीचे दिखाया गया, लेकिन ऐसा दूर दूर तक भी नहीं है। तो बस हमें पेपर निकालो उस हिसाब से इसको देखना है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग जो रही है वो 93 रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 4 रही है, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग रही है 126। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 वाला इसमें आंकड़ा दिखाया गया, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 108। विश्व सतत विकास सूचकांक, सतत विकास का मतलब होता है जो लगातार चलता रहे, यानी सतत का मतलब ये अपने आप में कंटिन्यूअस वाला। तो जो भारत का एक सतत विकास में जो भारत की रैंकिंग रही है 112 रही है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग 40। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी बौद्धिक संपदा, भारत विश्व के लेवल में कौन से स्तर पर अपने आप को स्थापित करता है, इसमें रैंकिंग 42 रही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 38 रही है। बेटा ध्यान से देखते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में पहला स्थान अमेरिका का रहा है, यानी यूनिकॉर्न इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका का है और भारत का जो स्थान है वो स्थान तीसरे पर आता है। आगे देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 45 रही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 67 रही है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग 4 रही है। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक 7 रही है, यानी दुनिया भर में तो कितना आ गया है रिवीजन करने का, भारत के प्रमुख सूचकांक देखने का। तो रिवीजन करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, क्या आप तैयार है? तो मैं आपको हर स्लाइड दिखाता रहूंगा, एक सेकंड का टाइम भी देता रहूंगा और उसके बाद उसको जवाब भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, पहली स्लाइड पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। अब आपको मिलान करना है, एक सेकंड का समय आपको दिया जाता है एंड टाइम इज ओवर। नीचे देखो बच्चों, इसके सही जवाब इधर दिए गए हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40 रहा भारत की रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत की रैंकिंग 134, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग 161 एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत की रही है 126। अब आगे देखते हैं, सही मिलान करो, स्लाइड आपके सामने है, एक सेकंड का समय आपको दिया जाता है एंड टाइम इज ओवर। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा।
अभी पता लग जाएगा कौन कितनी तैयारी में, कौन कितने पानी में है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में बात करेंगे 127, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बात करेंगे 7, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बात की रैंकिंग 111 और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बात की रैंकिंग 93। आइए आगे चलते हैं, फिर से ही मिलान करो, एक सेकंड का समय आपको दिया जाता है। देखता हूं कितने बच्चे जोश के साथ कमेंट करेंगे, जो करना है अभी करना है। चलो भाई सही मिलान या मिल गया, ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 24 बात की रैंकिंग 4, ग्लोबल पीस इंडेक्स बात की रैंकिंग 126, जेंडर इनइक्वालिटी भारत की रैंकिंग 108, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत की रैंकिंग 112। आइए आगे चलते हैं, फिर आपके सामने सीर वो दिखाई गई है स्लाइड, इसको ध्यान से देखो और कमेंट करो। चलो भाई आपका समय समाप्त हो गया है, अब इसके सही जवाब आपके सामने इस प्रकार है। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023 भारत की रैंकिंग 40, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 भारत की रैंकिंग 42, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 23 भारत की रैंकिंग 38, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 पहला स्थान अमेरिका को भारत की रैंकिंग 3। तो इसी प्रकार आप देखते रहेंगे, स्पीड से करते रहेंगे, हर एग्जाम का एक नंबर जरूर चुरा लेंगे न्यू लक्ष्य अकेडमी के द्वारा। तो जुड़े रहे डटे रहे, क्योंकि जो करना है अभी करना है, इसके बाद तो पूरी दुनिया को जय हिंद।